सो हाय गाइस, इस बार मैं कुछ लाया हूँ। ये है पियर डायरेक्ट का DT770 Pro। इसको अनबॉक्स करेंगे और ऑडियंट का इंटरफेस ID14MK2। तो वीडियो के अंत तक देखना, मैं पूरी अनबॉक्सिंग करूँगा और बताऊँगा कैसा साउंड करता है। बॉक्स के अंदर हेडफोन और साथ ही कुछ मैनुअल और कुछ और भी वारंटी कार्ड के साथ और पाउच। मुझे पड़ा था 1000 का 250 ओम्स का है और ये लेदर पाउच है, काफ़ी बहुत ही अच्छा है। मैं बना लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको हेडफोन कैसा है। तो हेडफोन आप ऐसे भी रख सकते हो, आपको अगर हेडफोन स्टैंड है तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे गियर डायनेमिक्स की तरफ से मिला हुआ है तो काफ़ी कॉइल केबल है, तो कॉइल केबल तो काफ़ी अच्छा ही होता है। तो ये है टोटल आपका हेडफोन। अब बारी आती है ऑडियंस के ID MK2 इंटरफेस की, जो कि मुझे पड़ा 23,000 का। MRP इसकी 27,999 बट आई वॉट इट फॉर 23,500। तो और खाली अच्छे से अनबॉक्स करके दिया ID14। आपको शायद उल्टा दिख रहा हूँ, ऑडिट ID14। तो इसको मैं खोलता हूँ और देख के ऊपर से बहुत अच्छा लगा। लेट्स ओपन दिस। खोलते ही आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑडियंस का मैनुअल और इसके ऊपर एक थर्मोकोल और आपका ऑडियंस का प्यारा सा इंटरफेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। बहुत ही अच्छा पैक किया हुआ आप देख सकते हो। मैं ऑलरेडी इतना खुश हूँ देख के देता हूँ और मैं आपको इंटरफेस खोल के दिखाता हूँ। बहुत डेलिकेट तो नहीं है, मैं डेलिकेट भी इसे ओपन कर रहा हूँ। आपका ऑडियो इंटरफेस ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये ऑडियो इंटरफेस। तो ऑल मेटल बॉडी, कोई प्लास्टिक नहीं, कुछ नहीं, काफ़ी सॉलिड कंस्ट्रक्शन और काफ़ी बचा बचा के पैसे लिए ठीक। तो ऐसा नहीं है कि एकदम लिए। और इसमें आप देख सकते हो इनपुट लाइन्स 1, 2, 3, 4, चार आप लाइनें डाल सकते हो, 2 XLR केबल डाल सकते हो और ये आपका स्क्रॉल है। इसे मैं यूज़ करके बताऊँगा कैसे यूज़ करते हैं, बट अभी के लिए आप इसे देख सकते हो बहुत ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी। और इसके स्पेक्स आप देख सकते हो ऑडियंस की वेबसाइट में जाके ID14MK2। बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। अब मैं आपको कुछ सॉन्ग्स प्रोड्यूस करके इस चैनल पर डालूंगा हम कुछ दिनों बाद। और एक और चीज़ है इसमें कि इस पर जाके आप इसे बड़े मिक्सर से भी कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। और एक चीज़ है कि और ऑडियो इंटरफेस जैसे बहुत दमदार है और लुक्स सॉलिड। बाकी ऊपर ये गन मेटल से बनी हुई, ये सब गन मेटल से बना हुआ, तो काफ़ी सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही अच्छा है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा।